हेलो नमस्ते हेलो नमस्ते सर। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जयपुर से सर, मेरी पहले ही बात हो चुकी है। अच्छा, तो पहले समझ नहीं आया कि दोबारा आप आ गई? नहीं नहीं सर, मैंने 3 बार आपको फ्राइडे से मैं वेट कर रही हूँ। 3 फ्राइडे हो गए सर। मेरे ना सर, हाँ जी, मेरे ना सर छोटे छोटे जैसे बीमारियां नहीं होती क्या सर? वैसे दाने दाने हो रहे हैं, उनमें खुजली मचती है सर, जैसे आईज के पास में और जैसे वहाँ पे। बाकी सर मैं फॉलो कर रही हूँ ना जब से आपको, तब से सर मेरे बहुत फर्क पड़ गया है। जैसे ब्लैकनेस थी ना सारी, वो हट गई थी सर। मुझे तो ये लग रहा था कभी लाइफ में जाएगा ही नहीं मेरा, लेकिन मैं सर 5 बजे जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे और करीबन 7 बजे घर आती हूँ वापस सर। और डाइट जैसे आप बता रहे थे ना वैसे ही फॉलो कर रही हूँ। मैंने आपका एक भी वीडियो मिस नहीं कर दी सर, सब काम मिस कर देती हूँ लेकिन वीडियो मिस नहीं करती सर, मैं सारा सब कुछ देखती हूँ। कितने साल हो गए? मेरी सिस्टर की लड़की है दिल्ली से। हाँ जी, कितने साल हो गए पिगमेंटेशन को? दिल्ली से सिस्टर की लड़की है सर मेरी, तो उनको भी मैंने बताया था, उसके तो पूरी गायब भी हो गई सर। अच्छा, आपका वीडियो देख रहे हैं। सुनील लोथान के नाम से आपके पास में आई होगी रिक्वेस्ट दिल्ली से। आपने बताया था कि आप खुश रहा करो तो उसके पैसे नहीं लगते हैं। तो मेरी भांजी थी सर, मैंने उसको बोला था कि आपको फॉलो करे। उसके तो सर उसका चेहरा देखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ मैंने क्यों लिया इतनी जल्दी। उसके तो गायब हो गए सर, वो इतने खुश है आज बहुत ज्यादा। आज तो गई नहीं है, नहीं तो आपसे पक्का बात करती। बट हाँ सर, मेरा देखो, ये देखो मेरा गायब हो गया है सर यहाँ से, तो और बचा है थोड़ा सा। बाकी यहाँ से भी साफ हो गए हैं, यहाँ से भी हो गए हैं सर, और ये थोड़ा नोज थोड़ा थोड़ा यहाँ से और यहाँ से, और ये थोड़ा चिपटे ये और रह गया है सर। लेकिन मुझे लग रहा है 15 साल की झाई है, मतलब 1 मंथ में कवरिंग हो रही है बहुत जल्दी सर। लग रहा है कि हाँ डेफिनेट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जो लोग देख रहे हैं आप उनको अपनी डाइट बताएं जरा, क्या क्या चेंजेस करें अपनी डाइट में जयपुर में रह के, आप क्या क्या फॉलो करती हैं? सर मैं तो अपनी पूरी लिस्ट बना रखी हूँ सर, मैंने तो अपनी। हाँ, ऐसे लोगों की जाती हैं जो लिस्ट बना के रखते हैं ना, जो लोग पूछते रहते हैं क्या करें क्या करें, उनकी कभी नहीं जाती है। तो जो लोग लिस्ट बना के रखते हैं। नहीं सर, मैंने तो लिस्ट बना रखी है अपनी। अच्छा, तो बताएं सर। मॉर्निंग से लेके और नाइट तक की पूरी लिस्ट है सर। मतलब मॉर्निंग में उठते ही सर 1 घंटा मॉर्निंग, मतलब 5 बजे मॉर्निंग वॉक जाती हूँ, 7 बजे आती हूँ सर, गर्म पानी पी के जाती हूँ 2 ग्लास। आते ही मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद में नारियल पानी लेती हूँ सर कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद में जो प्रोटीन पाउडर आपने बताया था ना ओजीवा का, वो लेती हूँ सर खाली पेट। और उसके बाद में जो सर, हाँ एक चीज पूछनी थी सर मुझे, मैं है ना सर दूध के अंदर 1.5 केला और उसमें फ्लैक्स सीड, उसमें चिया सीड्स और क्या बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स सारे, और सिनेमन पाउडर आता है ना वो सर, ये सारे डाल के वो ले सकती हूँ क्या? वही ले रही हूँ सर, मैं सोचती हूँ अलग अलग दुनिया। नहीं नहीं, मैंने तो बोला मैंने स्मूदी पे वीडियो बना रखा ना, मैंने बोला स्मूदी लें, आप स्मूदी में प्रोटीन डाल ले कोई बात नहीं, प्रोटीन भी डाल। हाँ तो सर वो लेती हूँ मैं। उसके बाद में जैसे खाने में है ना सर, जब टाइम होता है खाने का तब मैं जो है ना सर, एक तो ना फ्लैक्सी और काले तिल और सफेद तिल आते ना, उनको ना मिक्सी में ग्राइंड करके रखा, उसकी रोटी बना लेती हूँ। इतना सा आटा और पूरी एक मुट्ठी भर के उसको डाल के, तो रोटी बना के और दही के साथ में सर 1 प्याली भर के दही वो लेती हूँ सर, और सैलेड लेती हूँ। फिर शाम को सर ड्राई फ्रूट लेती हूँ। ड्राई फ्रूट तो सर मैं खाती रहती हूँ जब मिले जाती, मन नहीं करता लेकिन मैं खाती हूँ सर। और शाम का भी सर मेरा यही है कि शाम को भी मैं मतलब वही खाती हूँ, सैलेड लेती हूँ। रोटी तो सर डर के मारे खाती नहीं हूँ सर, मम्मी को होती है रोटी कभी तो खा लिया सर, मैंने कहा नहीं जब तक सही नहीं होगा ना तब तक रोटी नहीं खाऊंगी, कम खाऊंगी। नहीं आपने नहीं बोला है सर, बट मुझे भूख ही नहीं लगती, इतना खा लेती हूँ सर, गुंजाइश तरह बचती है कि कुछ खाऊं उसके बाद में। हाँ। तो मतलब ठीक है सर। और सर जिम का सोच रही थी सर मैं, जिम ज्वाइन मतलब 1 घंटा अगर वॉक कर रही हूँ तो जिम जाना जरूरी है, फिर मैं जिम ज्वाइन कर लूँ सर कल से? देखिए, अगर जिम ज्वाइन कर सकती हैं आपको बताऊं, ओवरऑल जिंदगी आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी, आपकी लाइफ हेल्दी हो जाएगी, ओवरऑल अंदर से बॉडी हेल्दी हो जाएगी, रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा। मैं तो सबको कहता हूँ, अभी देखो नेपाल से मेरी बात हो रही थी, वो अपने हस्बैंड तो उनका 40 सर, हस्बैंड तो सर क्या है ग्रोसर में जॉब करते 24 घंटे की, तो वो मेरे देखे देखे 4 बजे जाते हैं, वो भी करते। घर के जो सबसे पास जिम है ना, बस ज्वाइन कर लें आप,
धीरे धीरे देखना आपका एकदम से खत्म हो जाएगा ये। देखो सर ऐसे लग रहा है ना पूरा, वरना तो मुझे शर्म आती है सर, कांच के सामने वो थी ना आपके पाकिस्तान से एक वो जो मैम थी एक्टर्स, वो बोल रही थी ना आईने के सामने, मैं तो आईना देखती हूँ तो शर्म आती है सर, उसके पास में बापू बाप कह जाती हूँ, ऐसे मन कर रहा दो आईने है ना सर, तो उसमें एक देखती ऐसे सोचती हूँ ये खराब वाला इसलिए काला नजर आता है, फिर दूसरे देखती हूँ तो उसमें ऐसे लगता है इसमें सही आ रहा है सर। कोई बात, अब तो मेरा पूरा सही हो जाएगा ना सर जब भी बात करूंगी आपसे। हाँ देखिए अब आपको ना विश्वास आ गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, ये चला जाएगा जब इंसान में ये कॉन्फिडेंस वो वाकई में चला जाता। मेरी फैमिली वाले है ना सर जितने भी मेरी, वो जो दिल्ली से सुनीता है, सुनीता रोथान के नाम से आया होगा आपके पास में, उसको तो मैंने बता दिया ना, तो सर वो तो अकेले ना एक घंटे का अलार्म लगा के अकेले एक ही जगह खड़ी होकर भागती है सर। अच्छा वो तो इतना फास्ट है मेरे से भी ज्यादा सर। मैं उसको बोलती हूँ, अब मेरी तीन भांजियां हो रहे उनको भी बोल रही हूँ मैं तो, जैसे सर एक बात बताऊंगी आपको सच्ची तारीफ दिल से कि ये जो डॉक्टर्स है ना सर मेरे से इतने लूटे हैं, इतने शायद मैंने ना सर इतने तो मैं पता नहीं क्या कर देती, तीन प्लेट ले लेती सर अब तक खुद का, आपकी तरह मेरी भी लाइफ आपकी तरह सर आपकी तरह लाइफ है सर, मेरी भी सारा दिन भर फोन, मैम ये बताओ मैम वो बताओ, अब मैम बताओ क्या वीडियो कॉल करो, मैम वीडियो कॉल करूँ क्या, मेरी शक्कर देखो मैं डर जाऊंगी भाग जाऊंगी सर, इसलिए सर उनका यही है तो ठीक लग रहा है कुछ बस वीडियो एक ही नहीं छोड़ती सर। ये विश्वास आपका बढ़ता जाना चाहिए, जिम ज्वाइन कर लो, डाइट भी आप अच्छी ले रहे हो, आई एम श्योर ये जल्दी ठीक होने वाला बस आपका, ठीक है तो बिल्कुल खुश रहे, किसी बात की टेंशन मत लें, बस ये आपकी खुशी से अपने आप गायब हो जाएगा सर। मैं तो टेंशन लेती भी नहीं हूँ, आप भी लेना छोड़ दिया पहले थी लेकिन अब नहीं लेती हूँ सर, मैं सोचती हूँ सब कुछ है फेस है इसके सामने, मतलब आपका देखती हूँ ना सर बस आपको देख के मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि शायद मेरा तो पक्का ही हो जाएगा सर। नमस्ते, चलिए बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर, अपना ख्याल रखें और जब पूरा चला जाएगा तो फिर दोबारा बात करेंगे, ठीक है तो आप तभी करूंगी सर, बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मेरे जैसे और भी लोग हैं सर उनको भी फॉलो ले लो आप, मुझे पुरानी फोटो भेजिएगा ठीक है, जो आपकी पुरानी फोटो सर डर जाएंगे बेचारे देखेंगे वो ठीक है सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप ख्याल रखें, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ये थी जयपुर से हिमांशी जी, देखिए ऐसे लोगों का पिगमेंटेशन ठीक होता है, इतना अच्छा वर्कआउट कर रही है वो, अच्छे से डाइट फॉलो कर रही है, बहुत खुशी होती है।